हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये हमारा कपड़ा है, देखिए आज हम 32 साइज की प्रिंसेस कट की ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा अस्तर है, तो देखिए इस तरीके से अस्तर को रखना है और हमें लंबाई लेनी है। लंबाई हमारी 13 इंच है, उसमें 1 इंच प्लस करेंगे यानी 14 इंच। तो हम इस तरीके से 14 इंच पर निशान लगा लेंगे और स्केल की सहायता से इसे सीधा ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से हम गला लेंगे 2.5 इंच और हम शोल्डर लेंगे 5.5 इंच और आर्म होल की लंबाई लेंगे हम 5.5 इंच। हमारा चेस्ट है 32, उसका चौथा भाग होता है 8 इंच। कमर हमारी 28, उसका चौथा भाग होता है 7 और 1 इंच टक्स का लेंगे और इसको मिला देंगे। अब हम यहाँ से 2 इंच मार्जिन का लेंगे, आप चाहे तो 1.5 इंच भी ले सकते हैं, और इसको इस तरीके से मिला देंगे। यहाँ से हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरीके से शेप देंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। आपको ब्लाउज का माप लेना नहीं आता है तो इस लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से अब हमारा बैक पार्ट कटिंग हो गया है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरीके से कपड़े को रखना है। यहाँ से 1/2 इंच छुकाई का हमें मार्जिन लेना है और स्केल की सहायता से सीधा ड्रॉ कर लेंगे, देखिए इस तरीके से। और हमने जो पीछे का भाग कटिंग किया था उसको इसके ऊपर रख देंगे इस तरीके से, देखिए, और सेम ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए मैंने ड्रॉ कर लिया है। ये प्रिंसेस कट ब्लाउज है तो हमें नीचे से 1/2 इंच मार्जिन लेना पड़ेगा, देखिए इस तरीके से। अब हम यहाँ से 1/2 इंच लेंगे, क्योंकि हम प्रिंसेस कट कर रहे हैं इसलिए यहाँ से हम 1 इंच लेंगे और इसको स्केल्स की सहायता से मिला देंगे। अब हम यहाँ से 1/2 इंच डाउन लेंगे, क्योंकि हमारे आगे का भाग है इसलिए। तो देखिए इस तरीके से शेप दे देंगे। अब हम गला लेंगे, गला 2.5 इंच लेंगे और गले की लंबाई हम 6 इंच लेंगे और एक बॉक्स तैयार कर लेंगे और उसमें गले का शेप देंगे, देखिए इस तरीके से। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए हमने फ्रंट पार्ट कटिंग कर लिया है। अब हम टक्स का निशान लगाएंगे 10 इंच पर। यहाँ से हम 3.5 लेंगे और यहाँ से भी हम 3.5 लेंगे और उसको इस तरीके से मिला देंगे और इस तरीके से हम शेप देंगे। और यहाँ से हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से हम सीधा 2 इंच पर निशान लगाएंगे और उसे इस तरीके से शेप देना है। अब देखिए यहाँ से हम 1/2 इंच डाउन करेंगे, देखिए इस तरीके से मैं कर रही हूँ, और यहाँ से भी हम 1/2 इंच डाउन करेंगे, ये देखिए, और उसे कट कर लेंगे। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करना है। अब हम स्लीव्स की लंबाई लेंगे, तो स्लीव्स की लंबाई 9 इंच है, 1 इंच प्लस करेंगे यानी 10 इंच, और इसको हम कट कर लेंगे। यहाँ से कपड़े को हम कट कर सेट कर लेंगे, देखिए इस तरीके से। और हमारी इसकी चौड़ाई है 8 इंच। यहाँ से हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे। नीचे से हमारी फिटिंग है 4.5 इंच, 2 इंच हम मार्जिन का लेंगे और उसे इस तरीके से मिला देंगे। अब हम स्लीव्स का शेप देंगे, देखिए इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे हम छोटा सा कट का निशान लगा लेंगे, 2 पार्ट्स लेकर उसे 1/2 इंच डाउन करेंगे। ये देखिए हमारी स्लीव्स कटिंग हो गई है। अब हमने सारे पार्ट्स कटिंग कर लिए, इसे ब्लाउज के कपड़े पर हम कटिंग कर लेंगे। देखिए मैंने ब्लाउज के कपड़े पर कटिंग कर लिया है। अब हम इसे कपड़े को अस्तर से अटैच करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें आमने सामने दोनों पार्ट्स को रखना है, जिससे हमारे सिलने में कोई मिस्टेक नहीं हो जाए। तो देखिए मैंने किस तरीके से रखा, उस तरीके से पहले हमने आमने सामने रख लेना है, फिर हम अस्तर को ब्लाउज के कपड़े से अटैच कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें पूरा अटैच करना है और एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेंगे। सेम इसी तरह से हमें दूसरे साइड के भी करना है। ये देखिए मैंने दोनों पार्ट्स कर लिए हैं। अब एक पार्ट्स को इसके ऊपर रख देना है इस तरीके से, और इस पर हम पिन लगा लेंगे, जिससे हमारा कपड़ा इधर उधर हिले नहीं।
अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए हमने कट कर लिया है। अब हम सारे पार्ट्स पर सिलाई चला लेंगे। देखिए किस तरीके से चलानी है, इस तरीके से हमें सारे पार्ट्स पर सिलाई चलाने ली है। देखिए मैंने पार्ट्स पर सिलाई चला ली, अब हम इसे अटैच करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें सिलाई चलानी है। जो हमारा शेप है उस शेप के हिसाब से ही हमें सिलाई चलाते जानी है। अगर आपका शेप नहीं आए तो आप पेन से पहले इस तरीके से निशान लगा ले, फिर उसके ऊपर सिलाई चला लेना, जिससे आपकी सिलाई में फिनिशिंग आएगी। और इस पर डबल सिलाई चला लेंगे। सेम इसी तरह से हमें दूसरा पार्ट्स भी तैयार करना है। ये देखिए इस तरह से दूसरा पार्ट्स भी तैयार करेंगे हम। और मैंने दूसरा पार्ट्स भी तैयार कर लिया है। देखिए अब हम आई हुक की पट्टी लगाएंगे। तो हम 2.5 इंच की पट्टी लगेंगे, इस तरीके से रखेंगे और सीधी सिलाई चला लेंगे। अब हम 1.5 इंच की पट्टी लेंगे और उसे इस तरीके से रखेंगे, सीधी सिलाई चलाएंगे। फिर हम इसकी किनारी पे सिलाई चला लेंगे। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर, जिससे आपको ब्लाउज की हर लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। उसको अंदर तरफ फोल्ड करके हम सिलाई चलाएंगे। ये देखिए हमने हुकाई की पट्टी लगा ली है। अब हम नीचे पट्टी लगाएंगे। तो 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, उसको इस तरीके से रख कर सीधी सिलाई चला लेंगे। फिर हम इसकी किनारी पे सिलाई लगा लेंगे। और इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर कर हम सीधी सिलाई चलाएंगे। सेम इसी तरह से दूसरे पार्ट्स में भी हमें पट्टी अटैच करनी है। ये देखिए मेरे दोनों पार्ट्स तैयार हो गए। दोनों पार्ट्स को इस तरीके से बराबर रखना है। अगर हमारा गला छोटा बड़ा हो रहा है तो कटिंग कर कर हम सेट कर लेंगे। तो देखिए थोड़ा छोटा बड़ा हो रहा है तो हम इसे कट कर लेंगे। इस तरीके से बराबर हो गए हैं। देखिए अब हम गले की पट्टी लगाएंगे। इस तरीके से और एक पट्टी लेंगे, डबल फोल्ड कर कर उसे गले पर रखेंगे और सीधी सिलाई चलाएंगे। देखिए इस तरीके से अब हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और सिलाई चला लेंगे। सेम इसी तरह से हमें दूसरे पार्ट्स में भी गले की पट्टी अटैच करनी है। ये देखिए इस तरीके से दोनों पार्ट्स मेरे तैयार हो गए हैं। अब हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। ये देखिए हमारे पीछे का गला जो मैंने पहले से तैयार करके रखा है। अगर आपको ये पसंद है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। इस तरीके से हम दोनों पार्ट्स को रख लेंगे और शोल्डर पर सिलाई चलाएँगे। इस तरीके से सीधी सिलाई चलानी है। अब इसको फोल्ड करके हम इसकी किनारी पर सिलाई चला लेंगे। सेम इसी तरह से हमें दूसरा शोल्डर भी अटैच करना है। ये देखिए मैंने दोनों शोल्डर जॉइंट कर दिए हैं। अब हम स्लीव्स करेंगे। ये हमारे स्लीव्स की डिज़ाइन है, इसका लिंक भी वहीं पर आपको मिल जाएगा। अब देखिए इस तरीके से ब्लाउज को रखेंगे, बीच सेंटर से स्लीव्स को रखेंगे और सिलाई चलाएंगे। ये देखिए इस तरीके से एक साइड में हमें सिलाई चलानी है, फिर उसके बाद हमें दूसरे साइड भी सिलाई चलानी है। देखिए अब हम दूसरी साइड सिलाई चलाएंगे। इस पर हमें डबल चलानी है। किस तरीके से इस पर डबल सिलाई चलाएंगे। सेम इसी तरह से हमें दूसरी स्लीव्स भी अटैच करनी है। ये देखिए हमारी स्लीव्स लग गई है। देखिए मैंने दूसरी साइड भी स्लीव्स को अटैच कर लिया है। अब हम इस तरीके से दोनों पार्ट्स को पकड़ेंगे और सीधी सिलाई चला लेंगे। इसी तरह से हम दूसरी साइड भी करेंगे।
ये देखिए, अब हम इसको उल्टा करेंगे और इसके किनारी पर एक सिलाई चला लेंगे। देखिए दूसरी साइड भी हमें ऐसे ही करना है। अब हम फिटिंग का निशान लगाएंगे, तो देखिए ब्लाउज को इस तरीके से रखना है। अब हमारे यहाँ से 7 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से हम 8 इंच पे निशान लगाएंगे और उसको मिला देंगे। और हमारे ब्लाउज का फिटिंग है 5 इंच, यहाँ से 5 इंच पे निशान लगाएंगे और उसको इस तरीके से मिला देंगे। अब देखिए इस तरीके दूसरे साइड भी हम निशान लगाएंगे, 7 इंच लेंगे, यहाँ से हम 8 इंच लेंगे, उसको इस तरीके मिला देंगे और यहाँ से हम 5 इंच लेंगे और उसको इस तरीके से मिला देंगे। हमारे फिटिंग का निशान है। आप इस तरीके से किसी भी साइज़ के ब्लाउज की फ़िटिंग कर सकते हो। ये देखिए, और उस पर हम सीधी सिलाई चला लेंगे। ये देखिए हमारा ब्लाउज रेडी हो गया है। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक